ये है ग्रीनलैंड और ये है इंडिया। अब आप मुझे ये बताइए कि इन दोनों में से साइज में बड़ा कौन है? आप कहोगे ऑब्वियसली ग्रीनलैंड, लेकिन जब हमने इसे thetruesize.com वेबसाइट पर चेक किया, जहाँ पर कंट्रीज का असली साइज पता चलता है, तब ग्रीनलैंड इंडिया से छोटा निकला। अगर हम एक्चुअल साइज की बात करें तो ग्रीनलैंड का एरिया 21,66,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है और इंडिया का साइज 32,87,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास, यानी ग्रीनलैंड के एरिया से डेढ़ गुना ज्यादा। तो इसका क्या मतलब है कि जो भी स्कूल में पढ़ाया गया है क्या वो गलत है और हमें मिसलीड किया गया है? देखिए, कई लोगों का ये भी कहना है कि जो यूरोपियंस हैं उन्होंने जानबूझकर ऐसा मैप बनाया है ताकि साइकोलॉजिकली हमारे पर असर हो, लेकिन रियलिटी क्या है जानते हैं इस वीडियो में। इस मैप को मर्केटर प्रोजेक्शन कहा जाता है और इसे देखने पर हमें पता चलता है कि अफ्रीका और ग्रीनलैंड ऑलमोस्ट सेम साइज के हैं। लेकिन वहीं अगर हम इसे ग्रोथ की इमेज के साथ कंपेयर करें तो हमें पता चलता है कि रियलिटी में तो अफ्रीका का साइज 3,03,70,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है, जो कि ग्रीनलैंड के साइज से 14 गुना बड़ा है। ऐसे ही अगर हम रशिया को देखें तो ये मैप पर देखने से ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितना ही बड़ा हो, लेकिन यही अगर हम इसे मूव करते हैं और अफ्रीका से कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि असल में रशिया का साइज 1,71,00,000 स्क्वायर किलोमीटर है और ये साइज अफ्रीका से 1.8 टाइम्स कम है। और तो और, जापान का साइज हमें बहुत ही छोटू सा लगता है। अगर हम इसे नॉर्वे से कंपेयर करें तो कुछ इस तरीके का कंपैरिजन निकल कर आता है। जापान का साइज 3,77,973 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि नॉर्वे से 1.2 टाइम्स ज्यादा है। इतना ही नहीं, अगर हम अफ्रीका की बात करें तो मैप पर देखने से हमें पता चलता है कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका का साइज ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन रियलिटी में साउथ अमेरिका का साइज 1,78,40,000 है, जो कि अफ्रीका से 1.7 टाइम्स कम है। ये हम इस इमेज में साफ देख सकते हैं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट तो इतना बड़ा है कि इसमें यूएसए, चाइना जैसी बड़ी कंट्रीज और ग्रीनलैंड भी आराम से आ सकती हैं, और फिर भी इसमें काफी जगह खाली रह जाएगी। अब आप ही जरा इमेज देखिए, जिन कंट्रीज को हम बड़ा मानते हैं रियलिटी में उनका ये साइज है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? ये जानने से पहले हम मर्केटर प्रोजेक्शन के बारे में जानते हैं। देखिए, रियलिटी में हम मैप तब से बना रहे हैं जब से हम ये मानते हैं कि अर्थ फ्लैट है। देखिए, पहले जमाने में क्या होता था कि सारे के सारे ट्रेड्स ओशन के जरिए किए जाते थे, तो मेन प्रॉब्लम उस टाइम के मैप से जो हमें सॉल्व करनी थी वो ये थी कि किसी भी तरीके से हम एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाए। और इस प्रॉब्लम को 1569 में सॉल्व किया जनरेटर्स मर्केटर नाम के इंसान ने, और उन्होंने एक मैप बनाया जिसे कहा जाता है मर्केटर प्रोजेक्शन। उन्होंने ग्लोब को 2D में प्रोजेक्ट करने की कोशिश करी। अब इसे हुआ क्या कि जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है वो एग्जैक्टली 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते थे, जिसका मतलब है कि इस मैप को यूज करके हम एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से जा सकते हैं। और ये सेलर्स के लिए तो बहुत हेल्पफुल रहा, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए दोनों जगह के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर सकते थे और फिर कंपास की मदद से आसानी से अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते थे। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर जो ग्लोब है उसे फ्लैट सरफेस पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इसलिए वर्ल्ड मैप परफेक्टली यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं हो सकता। अब क्योंकि ग्लोब फुटबॉल जैसा दिखता है, तो हम फुटबॉल पर एक एक्सपेरिमेंट करके समझ सकते हैं। अगर हम इस फुटबॉल को काट कर फ्लैट कर दें तो ये हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब मैप बनाने के लिए हमें इसे रेक्टेंगल पेज पर प्रोजेक्ट करना है और फिर हमें मैप ऐसा दिखेगा। अब आप इसे ध्यान से देखिए, फुटबॉल काटने पर हमें ब्लैक पेंटागन्स और व्हाइट हेक्सागन्स की शेप और साइज सेम देखने को मिलता है। अब वहीं पर जब हमने इसे रेक्टेंगल मैप पर प्रोजेक्ट किया तो इन दोनों का साइज, पेंटागन और हेक्सागन का, वो दोनों का दोनों चेंज हो गया। यहाँ पर हम साफ देख सकते हैं कि कैसे ऊपर और नीचे ब्लैक हेक्सागन का साइज एकदम फैल चुका है और वहीं पर मिडल में इन्हीं का साइज थोड़ा छोटा दिख रहा है। एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था जब मर्केटर मैप को एक फ्लैट पेपर के ऊपर प्रोजेक्ट किया गया था। अगर हम एक ग्लोब पर इक्वल साइज के डॉट्स बनाते और फिर उसे मर्केटर मैप पर प्रोजेक्ट करें तो हमें यहाँ डॉट्स का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। हम देख सकते हैं कि कैसे मिडल डॉट्स का साइज छोटा हो गया और ऊपर और नीचे के डॉट्स का साइज बड़ा हो गया। देखिए, इसका एक सिंपल प्रिंसिपल है। मान लीजिए कि हम एक हाथ में पेंसिल पकड़े और दूसरे हाथ में एक टॉर्च, और टॉर्च की लाइट हम पेंसिल पर फेंकते हैं तो हमें एक पर्टिकुलर शेप और साइज में पेंसिल की परछाई दिखाई देगी, और जैसे जैसे हम पेंसिल पर दूसरे एंगल से लाइट मारते हैं अब हमें अलग शेप और साइज की पेंसिल की परछाई दिखाई देगी। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पर अलग अलग एंगल से लाइट फेंकने पर हमें अलग अलग परछाई दिखाई देती है, और इसलिए जिस एंगल से ग्लोब को प्रोजेक्ट किया गया था उसकी वजह से डिस्टेंस तो एक्यूरेट आ गया, लेकिन कंट्रीज के शेप और साइज बदल गई। अब क्योंकि रियलिटी में मर्केटर मैप का पर्पस मरीन नेविगेशन प्रोवाइड करना था, कंट्रीज ने साइज के बारे में सोचा ही नहीं। देखिए, हम यूक्रेन का एग्जांपल लेते हैं। जैसे ही हम यूक्रेन को नॉर्थ की तरफ ले जाते रहेंगे, इसका साइज इंक्रीज होता रहेगा, इवन शेप भी चेंज होती रहेगी। ये इसीलिए है क्योंकि मर्केटर मैप डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि जैसे ही कोई कंट्री नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ होगी उसका साइज बड़ा दिखेगा,
और उसकी शेप थोड़ी डिफरेंट। वहीं पर जो कंट्रीज इक्वेटर के पास है उन कंट्रीज का साइज उनके एक्चुअल साइज से छोटा दिखता है, जैसे कि हमने इंडिया और अफ्रीका के केस में देखा। अब क्योंकि इंडिया इक्वेटर से 933 किलोमीटर दूर है इसलिए वो छोटा दिखता है। वहीं अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना इक्वेटर से 3891.83 किलोमीटर दूर है, और इसलिए ये भी रीजन है कि चाइना अपने एक्चुअल साइज से बड़ा दिखाई देता है। अब हम में से कई लोग सोच रहे होंगे कि फिर गूगल मैप्स का क्या। रियलिटी ये है कि गूगल मैप्स भी मर्केटर मैप्स ही यूज करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मर्केटर मैप सिटीज के शेप और एंगल्स के जूम इन वर्जन को एक्यूरेट दिखाते हैं। अगर गूगल मैप्स ने हमें 90 डिग्री पर एक लेफ्ट टर्न रेकमेंड किया है तो रियलिटी में भी वहाँ पर 90 डिग्री पर रोड एग्जिस्ट करता होगा जिस पर हम टर्न लेके अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच सकते हैं। अब पूरी दुनिया में कितने टोटल टाइप के मैप एग्जिस्ट करते हैं ये बताना मुश्किल है क्योंकि पुराने मैप्स अपडेट होते रहते हैं और नए मैप्स बनते रहते हैं, और इसलिए लोग पर्टिकुलर पर्पस के लिए अलग अलग मैप्स यूज करते हैं। जैसे कि अगर हमें वर्ल्ड मैप पर सिर्फ कंट्रीज की साइज पर फोकस करना है तो हम गॉल पीटर्स प्रोजेक्शन यूज कर सकते हैं। अब अगर हम इस मैप को ध्यान से देखते हैं तो ये US, ब्रिटेन, यूरोप, ग्रीनलैंड का साइज कट कर देता है, लेकिन अगर हम अफ्रीका, साउथ अमेरिका और इंग्लैंड को देखें तो इनका साइज नैरो हो चुका है, पर फिर भी हमें इनका साइज बड़ा दिख रहा है। गॉल पीटर्स प्रोजेक्शन ब्रिटिश स्कूल में यूज किया जाता है और यूनेस्को भी इसे प्रमोट करता है, लेकिन भले ही अगर इनकी प्रोजेक्शन ठीक भी हो पर ये भी परफेक्ट नहीं है। फुली एक्यूरेट मैप जैसी चीज एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती क्योंकि जब भी हम एक कर्व्ड सरफेस को प्लेन सरफेस पर प्रोजेक्ट करेंगे तो उसमें कोई ना कोई डिस्टॉर्शन तो आएगी ही, और इसीलिए हर मैप कहीं ना कहीं इनएक्यूरेट होगा। देखिए, कार्टोग्राफर्स वो लोग होते हैं जो मैप बनाते हैं। जो जिया हैदर रहमान है वो अपनी बुक में ट्रांसलेटर्स को कार्टोग्राफर्स के साथ कंपेयर करते हैं। वो कहते हैं कि जैसे एक पोएम को ट्रांसलेट करते वक्त कोई भी ट्रांसलेटर कम्प्लीटली पोएम को ट्रांसलेट नहीं कर सकता, कुछ ना कुछ उसमें छूट ही जाता है, वैसे ही कार्टोग्राफर्स भी सारी चीजें एक मैप में मेंशन नहीं कर सकते, कोई ना कोई इंपॉर्टेंट चीज उसमें भी छूट ही जाएगी। लेकिन नेविगेशन के लिए यूज किया हुआ मर्केटर प्रोजेक्शन की पॉपुलैरिटी की वजह से जो मैप्स ड्रॉ किए गए हैं उससे हम लोगों के अंदर एक इंफीरियर कॉम्प्लेक्स आ जाता है। गॉल पीटर्स प्रोजेक्शन के कार्टोग्राफर डॉक्टर आर्नो पीटर्स मर्केटर प्रोजेक्शन को क्रिटिसाइज करते हुए कहते हैं कि ये मैप वर्ल्ड की रियल पिक्चर को डिस्टॉर्ट करते हैं, कॉलोनियल मास्टर्स को एडवांटेज देता है और इस मैप की वजह से व्हाइट मैन को ओवर वैल्यू दी जाती है। एग्जांपल के तौर पर अगर हम इंडिया को ही ले लें तो हमें पता चलता है कि नंबर्स में तो इंडिया का साइज ग्रीनलैंड से भी ज्यादा है, लेकिन हमें ये नंबर्स कितने याद रहते हैं। असल में तो कोई भी मैप जो हम बचपन से देखते आए हैं उसकी इमेज हमारे मन में हमेशा के लिए छप जाती है। जब बचपन से हमने देखा हुआ है कि ग्रीनलैंड, USA, कनाडा, रशिया ये सब साइज में बड़े हैं, तो हमें तो उस टाइम ये लगा था कि ये इंडिया से बहुत पावरफुल होंगे। इस साइकोलॉजिकल परसेप्शन की वजह से इंडिया और अफ्रीका स्मॉल और अनइम्पॉर्टेंट फील करते हैं। अगर आप कुछ ऐसा बनाते हैं जो कि साइज में छोटा लगे तो वो पूरी दुनिया को वर्थलेस दिखता है। रशिया यूक्रेन की वॉर शुरू होने से पहले ही हम सब जान चुके थे कि रशिया तो आराम से यूक्रेन को हरा देगा, लेकिन रियलिटी में ऐसा हुआ नहीं। यूक्रेन आज तक रशिया का डटकर सामना कर रहा है, लेकिन ये वॉर शुरू होने से पहले जस्ट इमेजिन कीजिए कि हमने ये सोचा क्यों। ये हमने इसलिए सोचा क्योंकि रशिया हमें मैप में बहुत बड़ा दिखता है, हमें लगता है कि वो जिसको चाहे हरा सकता है, क्योंकि हमारे दिमाग में बड़ी कंट्री का मतलब है ज्यादा पावर। इतना ही नहीं, अब क्योंकि इंडिया मर्केटर मैप पर छोटा दिखता है इसलिए बाहर की कंट्रीज के लोग भी इसे अनइम्पोर्टेंट समझ सकते हैं। I don't remember the India trip. और अनकॉन्शियसली उन्हें ये भी लग सकता है कि अगर USA ने इंडिया पर हमला कर दिया तो वो हमें हरा सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी मिलिट्री और ओवरऑल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर भी अंडर एस्टिमेट होते हैं। अब आप खुद सोचिए हमें से कितने लोग इस छोटी सी कंट्री वेटिकन सिटी के बारे में जानते हैं, मुश्किल से 20-30% लोग, लेकिन बाकी के 70% लोग तो USA और कनाडा और रशिया जैसी बड़ी कंट्रीज के बारे में जानना चाहते हैं, और ये इन्फ्लुएंस हम पर बचपन से मर्केटर मैप ने किया है। वैसे तो वर्ल्ड मैप को डिस्प्ले करने के दूसरे तरीके भी हैं, जैसे कि अगर वर्ल्ड मैप को पॉपुलेशन के बेसिस पर डिस्प्ले किया जाए तो वो मैप इस तरीके से दिखेगा। इस मैप को कार्टोग्राम्स कहा जाता है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इंडिया और चाइना सबसे बड़े दिखाई दे रहे हैं, और वहीं इंडोनेशिया पूरे यूरोप से बड़ा दिख रहा है। अब क्योंकि ये मैप पॉपुलेशन के पर्सपेक्टिव से बनाया गया है इसीलिए हमें इंडिया और चाइना यहाँ पर बड़े दिखाई दिए। और अगर स्कूल में हमें ये बता दिया जाता कि जो मैप हम पढ़ रहे हैं वो मर्केटर मैप है जिसका पर्पस था डायरेक्शन, ना कि कंट्रीज का एक्चुअल साइज, तो हम कभी कंफ्यूज नहीं होते और साइकोलॉजिकली हम दूसरी कंट्रीज को बड़ा ना मानते, एक्चुअल डेटा पाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी हम कंट्री का साइज देखते हैं तो वो हमें साइकोलॉजिकली इंपैक्ट करता ही है, इसलिए जब भी हम किसी कंट्री को बड़ा या छोटा माने पहले हम thetruesize.com वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहां पे देख सकते हैं कि एग्जैक्टली कंट्रीज का जो एरिया है वो कितना है और वो विजुअली कैसे दिख रही है। ऐसे ही मर्केटर मैप को सिर्फ नेविगेशन के लिए बनाया गया था, ना कि कंट्रीज के एक्चुअल साइज को बता